गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू. ओके, सो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उर्दू पढ़ेंगे. सो हमारी बुक का नेम यानी किताब का नेम है इब्तदाई उर्दू. ओके, सो फर्स्टली ओपन योर बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर. उर्दू में चैप्टर को बोलते हैं सबक. ठीक है, सो सबक एक खोलिए आप अपना. ठीक, अब उसमें आपको ओपन करना है पेज 1. सो हमारा पहला है अलीफ और आ. अब हमें सबक में क्या पढ़ेंगे? अलीफ के बारे में पढ़ेंगे और आ के बारे में पढ़ेंगे. अब ये जो ऊपर को जो ये बना हुआ है ना, ये हमारा कहलाता है मद. क्या कहलाता है ये? हमारा कहलाता है मद. सो अलीफ से अनार, अलीफ से अंगूर. अब ये अलीफ में मद लग गया तो ये आ हो गया. तो आ से आम, आ से आंख. ठीक, अगर सिर्फ अलीफ होगा तो वो आ होगा, लाइक आ से अनार, आ से अंगूर. अगर अलीफ के ऊपर मद होता है तो वो आ का साउंड करेगा, जैसे आम, आंख. ठीक, टर्न योर पेज. नेक्स्ट है मश्क. इन हरफों को लिखवाइए. तो आपको यहाँ पूरे में अलीफ राइट करना है. नेक्स्ट है आ. यहाँ पे अलीफ मद के साथ पूरे में आपको इस तरह से लिखना है. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. जैसे कि पहला है हमारा अलीफ. ठीक, नेक्स्ट है हमारा आ. तो अलीफ में हमने सीधी लाइन ड्रॉ की और उस पर मद लगा दिया, तो ये हमारा हो गया आ. तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है, जितना भी ब्लैंक स्पेस है. नेक्स्ट, नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके पहले हर्फ से मिलाइए. ये जो तस्वीरें हैं उनको पहले हर्फ से मिलाइए. जैसे पहले में क्या है? आग है. दूसरे में क्या है? अंडा है. तो आग किससे आती है? अलीफ से या फिर आ से? तो आ आती ना आग, तो आ से आएगी. नेक्स्ट है अंडा. तो अंडा किससे आता है? अलीफ से आता है. तो आग को मिलाएंगे हम आ से, अलीफ को मिलाएंगे अंडे से. ठीक, नेक्स्ट है नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हुर्फ लिखिए. यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर्स को उर्दू में बोलते हैं तस्वीर. उनके आपको नेम बताने हैं. तो पहला क्या है हमारा? ये है हमारा अमरूद. तो अमरूद किससे आता है? अलीफ से आता है. तो हम सीधा आ लिख देंगे. नेक्स्ट है आरी. आरी में क्या आता है? मद की आवाज आ रही है, तो हम लिखेंगे आरी. ठीक, तो ये हमारा ऐसे पहला सबक कंप्लीट हो चुका है. अब हमारा इसी में है दूसरा सबक. ठीक है, हमारा सबक 2 है बा पा ता टा सा. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बा पा ता टा सा. ठीक, जैसे बे से, बे पे ते टे से. तो बे से क्या होगा हमारा? बस्ता. बे से क्या होगा? बकरी. पे से क्या होगा हमारा? पतंग. पे से ही हमारा होगा पंखा. नेक्स्ट है ते. ते से क्या होगा हमारा? ताला. ते से ही होगा हमारा तितली. नेक्स्ट है टे. टे से क्या होगा? टमाटर. क्या होगा? टमाटर. तो टा का से आएगा टे. नेक्स्ट है टीवी. टी टे से आया. अब नेक्स्ट है से. से से क्या है हमारा? समर फल. ये गर्मियों में आने वाले फल है, तो ये सब हमारे समर फल है. जैसे बे है ये हमारा, यहाँ पे हमने सीखेंगे बे पे ते टे से. तो इसमें बे में क्या जोड़ देंगे हम? अलीफ जोड़ देंगे. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बा कहलाएगा. तो बे में अलीफ है तो बा बा, बे में अलीफ है तो बा ता बात. बे अलीफ और टे बाट. पे अलीफ यानी के पा, पा पा. पे अलीफ जा पा ते साकिन पात. ते यहाँ ते है, उसमें अलीफ जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया ता. ते अलीफ जबता बे साकिन ताब. ते अलीफ जबता पे और ताप. टे अलीफ तो टा टा. टे अलीफ जबता टे साकिन टाट तो टाट. से अलीफ. ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? बे पे ते टे से. ठीक, अब हम आगे किसकी एक्सरसाइज करते हैं. अगर आप लोगों को समझ आ गया हो ये सबक, तो मश्क यहाँ पे भी आपको क्या करना है? लिखना है. इन हर्फों को लिखवाइए. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. पहला है हमारा बे. लिख दिया हमने बे. नेक्स्ट है पे. क्या करेंगे? हमने पे भी लिख दिया. ठीक, यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं. फिर नेक्स्ट है ते. ते ते में क्या आते हैं? 2 नुक्ते आते हैं. ये डॉट्स नहीं कहलाते, ये हमारे नुक्ते कहलाते हैं. फिर ये हमारा हम नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे और ये बनाएंगे तो ये हमारा हो गया टे. फिर नेक्स्ट इस तरह से बना के ऊपर को 3 नुक्ते, तो ये हमारा हो गया से. ठीक, तो बे पे ते टे से. ठीक, नेक्स्ट है नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए. तो इसमें क्या है?
टोपी है, आदमी नहीं है, अलिफ का यूज नहीं किया गया है, टे का यूज है, तो टोपी के लिए पहना हुआ है ना, तो टोपी का हम टे लेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया टे। नेक्स्ट क्या है, बंदर है इस पिक्चर में, तो बंदर किससे शुरू होता है, बे से शुरू होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया बे। नेक्स्ट है ये पाऊ है, ठीक है, पाऊ किससे शुरू होता है, पे से शुरू होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया पे। नेक्स्ट क्या है, तारे, तारे किससे शुरू होता है, ते से शुरू होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया ते। नेक्स्ट इन लफ्जों को पढ़वाइए, अब आपको यहाँ ये वर्ड्स पढ़ने हैं, आपा, आटा, बाबा, पापा, बात, ताप, टाट, ठीक, इन लफ्जों को लिखवाइए। अब आपको यहाँ पे इन लोगों को वर्ड्स को लिखना है, जैसे कि बाबा है, सो सिंपल बे अलीफ, बे अलीफ, ठीक है, ये नुक्ता है याद रखना। नेक्स्ट बात, बे अलीफ ते बात, आप, अलीफ खड़ा जबर आ और पे आप, ठीक, फिर आटा, अलीफ खड़ा जबर आ, टे अलीफ जबर टा, आटा, ठीक, बाकी आपको यहाँ राइट करना है ये सेम जैसे मैंने राइट किया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है, नीचे दी हुई तस्वीरों में बे और टे छुपे हुए हैं, इन हरफों को तलाश कीजिए, ये जो पिक्चर्स हैं उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, बे और से जो है ना छुपा हुआ है, आपको उसको ढूंढ के लिखना है। जैसे पहली पिक्चर है, इसमें क्या है हमारा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है और तीन लड्डू हैं, तो ये तीन लड्डू तीन नुक्तों जैसे हो सकती है ना, तो ये क्या हो गया हमारा से, यहाँ पे हमने से लिख दिया। नेक्स्ट है, अब इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में हमें बे ढूंढना है, अब हमें बे कैसे मिलेगा, देखिए आप इस पिक्चर में अच्छे से देखिए, यस, ये जो इस बच्चे का फेस बना हुआ है ना, इस तरह से ये जो फेस है बीच में नीचे नुक्ता, तो ये हमारा है बे, तो हमने यहाँ बे लिख दिया। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये वर्क करना है, ठीक है, बुक में, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब लास्ट, नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, नून ये है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।